पंजाब अमृतसर उस समय लाहौर सुबह नहीं आता था, तो प्रसन्नजनक हुआ था। गुरु गोविंद तो गुरु हरगोविंद सिंह अपने छठे जो महापुरुष होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो भगवान अवतार होते हैं, किसी एक वर्ग के एक देश, ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो अपनी शक्ति का सामान्य व्यक्ति 1% उपयोग कर पाता है। जो थोड़ा सा असाधारण होता है वो 0.25% तक इस्तेमाल करता है, जो थोड़ा सा अबनॉर्मल होता है वो 0.75-0.8 तक। आइंस्टाइन थे जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, वो अपनी शक्ति की। आज गुरु तेग बहादुर जी जो गुरु नानक संत और गुरु परंपरा में नौवें गुरु थे, उनका 400 सालाना प्रकाश वर्ष चल रहा है, 400 साल उनके प्रकाश पर्व को हो गए। उस विषय में कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या काम किए थे देश समाज की भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, और उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान किया था, जालिमों के खिलाफ, जुल्मों के खिलाफ संघर्ष करते हुए, वह बात आज के सब लोगों को पता लगे, नई पीढ़ियों को पता लगे, अपने महापुरुषों के बारे में जाने, समाज अपने महापुरुषों के बारे में, अपने संतों ऋषि मुनियों के बारे में जाने, उस उपलक्ष्य को लेकर के आज यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पर सिख समाज के अनेक बंधु आए थे, बाकी अन्य समाज के बंधु भी आए थे, और गुरु तेग बहादुर के जीवन के अनेक प्रसंग, उनके तपस्या के, उनकी शहादत के, उनके बलिदान के और जुर्मों के खिलाफ संघर्ष के सब गाथाओं का यहाँ पे वर्णन हुआ, जानकारी मिली, सबको जानकारी दी गई। इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे विश्व के अंदर किया जा रहा है गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पर्व पर, और हमें विद्या भारती का संगठन मंत्री जम्मू कश्मीर का, हमारे सभी विद्यालयों में गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी को लेकर के विद्यालयों में भी कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं, विद्यालय अब खुल गए हैं, तो छात्र उसके अंदर निबंध प्रतियोगिता हैं, कुछ ये जिसे बोलना चाहिए झलकियाँ हैं, कुछ नाटिकाएँ हैं, कुछ गीत हैं, ऐसे सब कार्यक्रम बना रहे हैं जिससे कि आज के पीढ़ी को भी उनके जीवन के बारे में जानकारी मिले, उनसे प्रेरणा लेकर के वह पीढ़ी भी उसी तरह के कामों में अपने को आगे बढ़ाए। धन्यवाद।